नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के थाना अजनाला के अधीन आते गांव खानवाल में एक विवाहिता ने जहरीला पदार्थ निगल कर की आत्महत्या। चाचा ससुर से थी परेशान। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 मोटरसाइकिल किए बरामद। ओलंपियन मनु भाकर परिवार सहित पहुंचे अमृतसर के वाघा बॉर्डर, रिट्रीट सेरेमनी का उठाया लुत्फ। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के थाना अजनाला के अधीन आते गांव खानवाल में एक विवाहिता द्वारा अपने चाचा ससुर से परेशान होकर जहरीला पदार्थ निगल कर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मृतक मंजोत कौर की माता सती कौर ने बताया कि उनकी बेटी को उसका ससुराल परिवार उसके साथ झगड़ा कर उसे तंग परेशान करता था और उसका चाचा ससुर अक्सर उनके साथ झगड़ा करता था, जिससे दुखी होकर मंजोत कौर ने जहरीला पदार्थ निगल कर आत्महत्या कर ली है। इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। तो वहीं थाना अजनाला के SHO सब इंस्पेक्टर सतनाम सिंह ने बताया कि मृतक मंजोत कौर की मां सती कौर के बयान के मुताबिक मृतिका के चाचा ससुर महेंद्र सिंह उर्फ मिंदा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कितने साल हुए बयान? 5 साल। की गल बात हुई? सारी गल बात पते हुई, सौरा लड़दा ही बड़े चिर जिउंदी रही, हुंदे लड़दे हन सारे जी मेरे जी दा मार कुट दे, मैं जानी हां हुण कर दे ते मैं जानी मार मुक देखूंगी, पर तू ना कोई तेरी धी नहीं कोंदी रही, तेरी धी दंदा गंद नहीं पत चुक दी, मारे थां थीपा नहीं हैगा, छान वक्री पा बरांडे च पुत मंजे डे हैं, मेरी धी ने उथे भी कड़ दे मेरी धी ने दाज दे सारे भाण दिता ने। अज की गल बात हुई? अज पुत मेरी धी ने मैं मारिया, मैं उथे खुद गई हाँ, सौरा गल पिया बीबी आई नौ बजे, मैं तार दुट पुत हुई बत्ती आई तार लाई है, तो मेरी धी का पखा बंद कर दिता है, तो उन्हें लाई मेरी धी ने ला दी, फिर आ सौरा गल पै गया, मैं बाह बू के घर नू आ गई, फिर मगरू मेरी धी फिर इन्हें बड़ा मारिया, फिर इन्हें कुछ ने दवाई पुत खा ली इन्हें मेरी धी ने, सौरा सारे मेरी धी वैर पै, मैं कली कली मेरी धी ही, मेरा बंदा भी नहीं है, बस ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਤਰੇ ਆਖ ਕੇ ਅੰਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਆ ਰਹੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਧੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤ ਹੋਈ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਲੜਦਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾ ਘਰ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਰ ਮਦਰਿਆ ਹੀ ਨਾਲੇ ਸੋਰਾ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਸੋਰਾ ਮਦਰਿਆ ਸਰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਰ ਮੇਰਾ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਦਾ ਮਾਦੂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸੋਰਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਖਾਲੀ ਪੁੱਤ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਧੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਆਰੋਪੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਚਾਚੇ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ? ਠੀਕ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੱਧਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਦੋ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਘਾਤਾ। ਕੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਗਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡੀਆਂ ਸਰ ਦਾ, ਪਿੰਡੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਚਾਚੀ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਉਹ ਗੱਲ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਠਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਅਜਨਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਜਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਲੋਕੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੋਕੋ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਾਈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਹਾਂ ਥੋਂ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਜੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਸੱਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੱਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਚਾਚੀ ਚਾਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥਾਂ ਬੰਨੇ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਬੋਝ ਚਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਾਚੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਲੱਤੂ ਉਹ ਜੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਭੈਣ ਸੀ ਇਹ ਜੇ ਲੜਕੀ ਆ ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਖਾਨਵਾਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 12/9 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੱਤੀ ਪਤਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭਿੰਡੀ ਸੈਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਚਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ जालंधर पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के नेतृत्व में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बिना नंबर प्लेट के 3 चोरी के मोटरसाइकिलों सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि साहिल निवासी जसवंत नगर गढ़ा जालंधर ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 14 जुलाई को सुबह 7 बजे उन्होंने गली नंबर 7 अवतार नगर जालंधर में एक दुकान के बाहर अपना मोटरसाइकिल खड़ा किया था। जब वह 8 बजे बाहर आए तो देखा कि मोटरसाइकिल गायब था और किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसे चोरी कर लिया था। इस घटना के आधार पर थाना भार्गो कैंप जालंधर में मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के दौरान थाना भार्गो कैंप की पुलिस ने दीपक वर्मा निवासी काजी मोहल्ला भाई हीरा गेट जालंधर को गिरफ्तार किया और उससे चोरी का मोटरसाइकिल बरामद किया। पूछताछ के दौरान दीपक ने स्वीकार किया कि उसने यह मोटरसाइकिल अपने रिश्तेदार सोनू उर्फ कालू निवासी मोहल्ला कालिया कॉलोनी फेज 1 जालंधर से खरीदा था। पुलिस ने सोनू उर्फ कालू को भी इस मामले में नामजद किया है और उसके घर पर छापा मारकर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों से कुल 3 चोरी के मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, एक साढ़े थाना भार्गो कैंप के एक मोटरसाइकिल चोरी होने की इनफॉरमेशन रिसीव हुई थी, जिसन डिवेलप करदे आ माननीय पुलिस कमिश्नर श्री स्वपन शर्मा IPS जी के दिशा निर्देशों हेठ असी जी एक माड़े अंसर के खिलाफ मुहिम चलाई है, वो असी जोड़े चोरी का मोटरसाइकिल है वो रिकवर कर लिया सी। जो फरदर इनवैसटीगेशन जोड़ा एक चोर असी फड़िया ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਟੋਟਲ 3 ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀਸ਼ੁਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਸੋਨੂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਸਰ? ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ NDPS ਐਕਟ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਨੇ। ओलंपियन मनु भाकर और उनके परिवार के सदस्य रिट्रीट समारोह देखने के लिए अमृतसर के वाघा बॉर्डर पहुंचे। इस मौके पर मनु भाकर और उनके परिवार ने रिट्रीट सेरेमनी का लुत्फ उठाया और BSF के अधिकारियों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर मनु भाकर ने कहा कि वह पहली बार पंजाब आई हैं और पहली बार वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी देखने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि वह लोगों से भी अपील करती हैं कि वे एक बार वाघा बॉर्डर पर आएं और अपने सैनिकों की परेड देखें और उनका हौसला बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि हम दूध दही लस्सी खाने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि नशे में कुछ भी नहीं रखा है। उन्होंने कहा कि घर की रोटी के बराबर कोई रोटी नहीं है। पंजाब का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में दूध दही लस्सी और मक्खन आता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इस मौके पर वाघा बॉर्डर और BSF के जवानों ने उन्हें सम्मानित भी किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पहले तो पंजाब में आए तो सत श्री अकाल सबको, और बहुत मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये, मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ और मैंने हमेशा से सुना है कि वाघा बॉर्डर पे ऐसे होता है या फिर अटारी में ऐसे ऐसे, मतलब ये सब के बारे में मैंने बहुत सुना था बचपन से, और पहली बार आज मुझे मौका मिला और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि किस तरीके की फीलिंग थी, जिस तरीके का लोगों में जज्बा है इन सब के प्रति, मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।
मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ आइए और यहाँ ज़रूर एक बार तो एक्सपीरियंस कीजिए। आप आई भी हैं तो एक बड़ा चेहरा बन के, और जब आप बैठे थे यहाँ पे सबको देख रहे थे, आपकी तरफ सब देख रहे हैं, आपको देख के सब मोटिवेट हो रहे हैं, उन सबको क्या कहना चाहते हैं? मेरी नज़रें तो दरअसल अपने जवानों से हट ही नहीं रही थी। मैं तो एक्चुअली सारे जो इतनी सारी चीज़ें हुई परेड से लेकर राइफल्स और इन सब के साथ जो शो था, बहुत ही बेहतरीन था। और मैं शुरुआत में तो थोड़ा लग रहा था कि हाँ सब लोग हैं यहाँ पे, इतनी सारे लोग आए हुए हैं, सब देख भी रहे होंगे, बट जैसे ही वो शुरू हुआ मेरे ख्याल से मेरी नज़र तो उन पर से बिल्कुल नहीं हटी। अच्छा लगा फिर आपको आके? बहुत बहुत बेहतरीन लगा जी। गुरु नगरी में पैर रखा, हाँ जी, कैसी लगी आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा, और प्लस लोगों से भी मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जिस तरीके का जज्बा है ना, वो बहुत रिफ्रेशिंग है, और एकदम ऐसे लगता है कि हम हैं। जी लास्ट सवाल है, आजकल लड़के ही नहीं लड़कियाँ भी ड्रग लेने लगी हैं, आपने भारत का नाम रोशन किया है, आप मैसेज क्या देते हैं उन लोगों को जो गेम नहीं खेलते लेकिन उल्टी गेम करते हैं? जी मैं तो ये कहूँगी कि हम लोग जो हैं वो दूध दही लस्सी का खान पान करने वाले लोग हैं, हम कहाँ इन सब चीज़ों में, ये कुछ भी नहीं है, किसी में कुछ नहीं रखा है, अपना देसी खाना बेस्ट है। अब जितना अच्छा घर का बना हुआ खाना, उससे बेहतर कुछ नहीं है। और चाहे आगे आने वाले समय में बीमारियाँ हो या कुछ भी हो, आप जब तक घर के खाने के साथ रहोगे ना, हेल्दी खाना खाओ, बढ़िया वर्जिश करो, कोई स्पोर्ट खेलो, कुछ लाइफ में बहुत स्कोप होता है तरक्की का किसी किसी चीज़ में, और जो भी आपने सपने देखे उन पे गिव अप मत करो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, और हम पंजाब बींग पंजाब, मतलब लस्सी दही, वही सबसे पहले वही आता है, क्या आता है पंजाब सोचते ही कि वही लस्सी और मक्खन और इन सब का खाना। तो हम लोग बहुत शक्तिशाली लोग हैं और अच्छा खाना खाएंगे, और जी यही मेरा आइए प्लीज। जरूरतमंदों के मसीहा कहे जाने वाले दुबई के प्रमुख व्यवसायी और सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के संरक्षक डॉक्टर एसपी सिंह ओबराय के प्रयासों के चलते कपूरथला जिले के कस्बा सिंधवा धोना के नजदीक गांव थिगली के 33 वर्षीय जगबीर सिंह का शव दुबई से श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अमृतसर पहुंचा। इस संबंध में जानकारी देते हुए सरबत दा भला ट्रस्ट के नेता सुखदीप सिंह सिद्धू ने कहा कि जगबीर सिंह, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी और अपने बुजुर्ग माता पिता का एकमात्र सहारा था, दूसरे युवाओं की तरह वह भी बेहतर भविष्य का सपना लेकर करीब 5 साल पहले दुबई गया था, लेकिन 1 अगस्त को अचानक दिमाग की नस फटने से उसकी मौत हो गई। सुखदीप सिंह सिद्धू ने बताया कि इस मामले की जानकारी मिलने के बाद उनकी टीम ने भारतीय दूतावास के सहयोग से मृतक जगबीर सिंह को भारत भेजने के लिए सभी जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की, जबकि उनके शव को भारत भेजने में आए खर्चे का भुगतान उनकी कार्य कंपनी भवानीगढ़ ट्रांसपोर्ट के मालिक जतिंदर पाल सिंह और मनजीत सिंह ने किया है। इस मौके पर मृतक के पारिवारिक सदस्यों ने डॉक्टर एसपी सिंह ओबराय का आभार भी व्यक्त किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ये कपूरथले तो आए हैं, साडा सेकंड ब्रदर ही उन्होंने डैथ हो गई ही बाहर दुबई से, तो उन्होंने डेड बॉडी लैन आए हैं, तो ओबराय होना ने साड़ी हेल्प की है, तो उन्होंने अं धनवाद भी करते हैं, चलो कि बहुत उन्होंने हेल्प की साड़ी, साढ़े न बहुत दुख की घटना वापरी है, तो इन्हों महीने प्रति पेंशन ला के दें जी, तो कहते भी तूा भी सू चालू करा के देवे जी। माता तो बस पिता जी आ, तो भी काफ़ी बुजुर्ग है जी, होर कोई भैन भरा नहीं है? नहीं, होर कोई नहीं है जी, बस वो दोनों ही रह गए परिवार च, यही उन्हों का सहारा है, तो वह भी चले गए। मेरा नाम सुखदीप सिद्धू है, मैं सरबत दा भला ट्रस्ट माझा जोन का सलाहकार हाँ। अज साडी इत्थे माझा जोन की टीम साडे नाल पंजाब दे प्रधान सुखजिंदर सिंह, मनप्रीत सिंह संधू ये आए ने नाल साडे, अज इत्थे असीं इस करके आए हाँ कि पंजाब के कपूरथला जिले के सिधवा दोनों पिंड दे नेड़े एक पिंड थिगली, थिगली का 33 साल का नौजवान सी जगबीर सिंह पुत्र बलकार सिंह, जिहड़ा अनमैरिड सीगा, ये लगभग पिछले 7-8 साल तो दुबई सीगा, तो 2019 तो लैके पिछले 5 साल तो लगातार दुबई से, वापस इत्थे पंजाब नहीं सी आया, उसकी पिछले दिन ही दिमाग की नाड़ी फटन नाल उत्थे मौत हो गई सी, तो परिवार इन्ना समर्थ नहीं सी कि सारा कुछ प्रबंध कर सके अपनी मृतक देह इतने लियाने लिए, तो परिवार ने जो उ राय साहब को पता लगा, भारतीय एम्बैसी को पता लगा, उन्होंने परिवार नाल इतने संपर्क किया, तो फिर वो जो कागज़ पत्र सारे दस्तावेज सके तैयार करके भारतीय एम्बैसी के नाल सहयोग के नाल
ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਈਆ ਅਵਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2000 ਰੁਪਈਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਮੱਧੂ ਛਾਂਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮ ਨਗਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨਗਰ ਦਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 372ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਇੱਥੇ ਅਵਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਾਰੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਵਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਮੌਜਲ ਹਾਊਸ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਸਥਿਤ ਗੁੱਲੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਕੇ ਪਾਸ ਨਿਰਮਾਣਾਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਸੇ ਪਾਣੀ ਕੇ ਰਿਸਾਵ ਕੋ ਲੇਕਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਦੋ ਪਕਸ਼ੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਮਾਣਾਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਕੇ ਰਿਸਾਵ ਔਰ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੇ ਸਥਾਨੀ ਨਿਵਾਸੀਓਂ ਕੋ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ, ਜਿਸਕਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਕਸ਼ ਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਵਰੂਪ ਉਨਕੇ ਔਰ ਇੰਡੀ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇ ਬੀਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀ ਨੇ ਉਨਹੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿਆ, ਤੋ ਵਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪਕਸ਼ ਕੇ ਇੰਡੀ ਔਰ ਉਨਕੇ ਸਮਰਥਕੋਂ ਨੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਮੇਂ ਹੋਨੇ ਔਰ ਗੰਦੀ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣੇ ਕਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਆਕ੍ਰਮਕ ਹੋ ਗਏ ਥੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਇੰਡੀ ਕੇ ਸਮਰਥਕੋਂ ਕਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਬੀਰ ਨੇ ਬਾਤ ਕੋ ਬੇਮਤਲਬ ਬੜਾਇਆ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਕੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ। ਘਟਨਾ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਤੇ ਹੀ PCR ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਕਾਲ ਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਥੀ ਕਿ ਇੰਡੀ ਨੇ ਉਨਹੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਵਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਦੋਨੋ ਪਕਸ਼ੋਂ ਕੋ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੇ ਲੀਏ ਦੋਨੋ ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਨੋ ਪਕਸ਼ੋਂ ਕੋ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਕੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਘਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਦੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਦੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਪਿਓ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਵਾ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਰਣਵੀਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਗਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਪਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹ ਇੰਦੀ ਹਰਜੀਤ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੰਨੇ ਜੁਆ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਭਾਈ ਆ ਹੀ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਟੂਟੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਸਰ। ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯਾਤਾਯਾਤ ਉਲੰਘਣ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਕੋ ਫਿਰ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ ACP ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਗਤ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਕੇ ਤਹਿਤ ਮਨਬਰੋ ਚੌਕ ਔਰ ਚੁਨਮੁਨ ਮਾਲ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਵਾਹਨ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਤਾਯਾਤ ਨਿਯਮੋਂ ਕਾ ਉਲੰਘਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨੋਂ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਤਤਕਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਸਿਸਟਮ ਟੀਮ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਕੇ SHO ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 100 ਵਾਹਨੋਂ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮੇਂ 15 ਚਾਲਾਨ ਕੀਏ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਚੌਨਵਨ ਚੌਂਕ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਂਬਰੋ ਚੌਂਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 100 ਵਾਹਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 15 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬਲੈਕ ਫਿਲਮ, 4 ਵਿਦਆਊਟ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ, 3 ਵਿਦਆਊਟ ਹੈਲਮਟ, 2 ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ, 1 ਬੁਲਟ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक मोहिंदर भगत के प्रयासों से जालंधर के बस्ती दानिशमंदा के अधीन आते इलाके अनूपनगर में बिजली का ट्रांसफार्मर लगाया गया, जिसका शुभारंभ विधायक मोहिंदर भगत ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। इस मौके पर इलाका निवासियों ने विधायक मोहिंदर भगत का आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर जसपाल सिंह, उमेश कुमार, सुरजीत सिंह बंसीलाल, मनीष तरलुपिया, कमल लोच, पूनम रानी सहित अन्य इलाका निवासी भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। काफी लंबे समय तो ग्रीन वैली के लोगों की मांग सी कि इतने जो बिजली है बहुत डिम आती है या घट वध आती है, तो नवे ट्रांसफार्मर की इतनी लोड़ सी, जिहड़ी कि अज असी 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर ला के उहदा लोगों की समस्या हल की है। सो इस इलाके की बहुत ही लंबे समय से सेवा कर रहे मेरे वीर चौधरी बंसी लाल जी, उनके नाल मेरे वीर कमल लोच जी, उनके नाल डॉक्टर मनीष जी और कोमल जी, सारे ही परिवार ने और सारे साथियों ने लंबे समय तो जो इस इलाके की मांग से पूरा किया है। सो मैं सारियां आज के शुभ दिहाड़े उपर मुबारकबाद दिंदा हाँ। उसके नाल ही इस इलाके की जो ट्यूबवैल की समस्या है वह भी बहुत जल्दी ट्यूबवैल लगा के हल की जाएगी। सो इन्हों लोगों ने, इन्हों मेरे वीर भैनों ने बहुत मेरी मदद करके बहुत भारी बहुमन जताया है। सो मैं भी हूँ लगातार इन सेवा में हाजिर हाँ। सो जो भी इलाके की समस्या जिंदर व्यवस्थी होएगी मैं बखूबी दिन रात मेहनत करके पूरी कराँगा। एक बार फिर मेरिया सारिया मातावान भैनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। किसानों को फसल अवशेष जलाने से रोकने और वातावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने नकोदर सब डिवीजन के संवेदनशील 3 गांव चककला, कंग साहबू और सिंधवा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से खेतों में पराली जलाने से बचने की अपील की और उन्हें वातावरण की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि सरकार किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों को अपनाने में हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आधुनिक मशीनरी, उन्नत बीज, मौसम की भविष्यवाणी और कीटनाशकों के सही उपयोग के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने जमीन में घटते पानी के स्तर को बचाने के लिए फसल विविधता अपनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही वातावरण के रक्षक पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसके तहत आधुनिक खेती की तकनीकों को अपनाने वाले गांव और किसानों को सम्मानित किया जाएगा। जो गांव पराली नहीं जलाएंगे उन्हें 1,00,000 रुपए के विकास कार्य दिए जाएंगे, जबकि व्यक्तिगत किसानों को गणतंत्र दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी मातृपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें सर्वप्रथम मां त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया, जिसके पश्चात भजन लाडी वर्मा एंड पार्टी ने मां भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित मां भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। माता की इस चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, सीमा गल्होत्रा, यादव खोसला, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा, दविंदर प्रभाकर, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ਕਰੁਣਾ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ।
संतोष प्यारी मार्ग दर्शक रहे हमारी आस के आंचल को भर देना मिट्टी को चंदन करके केड़ा केड़ा महारानी की मर्जी दे नाल आया है इक वारी हरी खड़े करके ताली लगा के की कहना है अस यूट्यूब आसरे दे रे सानू रख चरना दे रे
पंजाब कश्मीर फाइनेंस के डायरेक्टर चेतन कालिया अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज वन जालंधर में आयोजित किया गया। इस मौके पर पंडित गुलशन शर्मा ने श्री गरुण पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय चेतन कालिया की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, श्री देवी तालाब मंदिर कमेटी के महासचिव राजेश विज, आलोक सोंधी, नीता कालिया, केसी गुप्ता, दर्शन शर्मा, गोल्डी अरोड़ा, आशु चौधरी, चौधरी रामकुमार सहित पारिवारिक सदस्य ने पत्नी निशा कालिया, राघव कालिया, सुमती, सुरभि, कर्नल अभिमन्यु, नेहा, सलील, धूपर और शहर के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय चेतन कालिया को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सेवक धूप इंडस्ट्रीज मिलाप चौक के मालिक सचिन शर्मा की माता सुमन शर्मा का गत रात्रि आकस्मिक निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार जालंधर के किशनपुरा साथित शमशान घाट में पूरी धार्मिक रीति रिवाज के साथ किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय सुमन शर्मा को मुख्य अग्नि उनके बेटे सचिन ने दी। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व CPS KD भंडारी सहित शहर के धार्मिक, राजनीति और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय सुमन शर्मा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। अमृतसर के थाना अजनाला के अधीन आते गांव खानवाल में एक विवाहिता ने जहरीला पदार्थ निगल कर की आत्महत्या। चाचा ससुर से थी परेशान। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 मोटरसाइकिल किए बरामद। ओलंपियन मनु भाकर परिवार सहित पहुंचे अमृतसर के वाघा बॉर्डर, रिट्रीट सेरेमनी का उठाया लुत्फ। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।